इस्लाम फॉर ऑल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन को दबाइए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिलते रहे। जज़ाकअल्लाहु खैर। और आपके आका मौला हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहाबा तुम्हें बड़े बड़े गुनाहों की खबर ना दूं। सहाबा ने अर्ज की, क्यों नहीं या रसूलल्लाह? आप इरशाद फरमाएं। तो हुजूर ने फरमाया, एक तो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, दूसरी बात किसी इंसान का कत्ल करना, तीसरी बात वालदैन की नाफरमानी करना। हुजूर ये जब फरमा रहे थे तो हुजूर ने टेक लगाई हुई थी, तो जब ये चौथी चीज बयान फरमाने लगे तो हुजूर टेक छोड़ के आगे हो गए। ये कितनी अहम बात थी। अला वकौल अज़्ज़ूर, फरमाया सुन लो झूठी बात करना। तो जो गुनाह बड़े बड़े हैं, जहन्नुम में ले जाने वाले हैं, हलाक कर देने वाले हैं, ये चार गुनाह उनमें से भी आगे बढ़े हैं। झूठों पर अल्लाह ताला ने लानत की है, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, बाकायदा झूठों का जिक्र करके उन पर लानत की गई है। तो इसलिए मोमिन अपनी जिंदगी के अंदर सच ही बोलता है। हाँ, कभी वो ऐसे मुश्किल वक्त पे फंस जाए कि यहाँ उसके लिए जान बचाना मुश्किल हो, तो वहाँ उसको इजाज़त फराहम की गई है कि अगर किसी उज़्फ के तल्फ होने का या जान के ज़ाया होने का डर हो तो बाज़ मौक़ों पे उसे इजाज़त दी गई है, या दो आदमियों के दरमियान सुलह कराना पड़ जाए तो उस वक्त आप कोई ऐसी बात बोलें कि यार मैं फलां से मिला था, वो तेरे बारे इतने अच्छे जज्बात रखता है और तुम्हारी खामखा की लड़ाई है, उसके दिल में तो कुछ भी नहीं है, उसने तो ये मुझसे बातें की हैं। तो वो कहेगा नहीं नहीं मेरे दिल में भी कुछ भी नहीं है, पांच सात बातें वो भी करेगा, फिर तो ये उसको जाके बताएगा कि वो तेरे बारे तो ये कह रहे हैं, तो आपस में दोनों जुड़ जाएंगे, करीब पहुंच जाएंगे। लेकिन वो सच जो दोनों को आपस में तोड़ दे, दो इंसानों की तफरीक कर दे, तो वो सच भी नुकसानदेह है। इसलिए मकसद खैर है, मकसद भलाई है, तो हमें सच बोलने की तलकीन की गई है। ये भी इरशाद फरमाया गया कि सच इंसान को नेकी की तरफ ले जाता है और नेकी इंसान को जन्नत की तरफ ले जाती है, और इसके बरक्स झूठ इंसान को गुनाह की तरफ ले जाता है और गुनाह इंसान को जहन्नम की तरफ ले जाता है। सच्चाई तमानियत है, ये अंदर का इत्मीनान है, ये बातिन की रोशनी है। वल किस्ब रीबा, जो किस्ब है, जो झूठ है, वो अदम इत्मीनान है, बेचैनी है, इस्तराब है, हर वक्त एक खटका लगा रहता है मेरा झूठ पकड़ा ना जाए। तो अपनी ज़िंदगी को हमेशा सच से मुजयन कीजिए। सच्चों के साथ होने का कहा गया, सच के साथ रहने की तलकीन की गई। सच तमानियत कलब का सबब है, सच नेकी की तरफ ले जाता है, नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। झूठ रीबा है, बातन की गलाजत है और फरिश्तों की दूरी का सबब और ज़रिया है और रब की रहमतों से बंदे को दूर कर देता है। अल्लाह सच्चों को पसंद करता है, झूठों को पसंद नहीं करता। तो ये थोड़ी सी ज़िंदगी अल्लाह ने जो हमें वदियत की है, इसको सच्चाई के साथ अगर हम गुजारेंगे तो हमारी ज़िंदगी तमानियत के नूर से हमेशा मुनव्वर होकर गुजरेंगे, हम एक राहत भरी ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन अगर हम झूठ बोलेंगे तो फिर झूठ से हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है वो एक तंगी, एक इस्तराब और एक बेचैनी होगी जो कभी भी हमारा दामन नहीं छोड़ेगी। अल्लाह हमें हर मरहला हयात में सच को निभाने की, सच बोलने की, सच्ची बात करने की तौफीक अता फरमाए।